इधर गाजा में हमास के अलग अलग सैन्य गुट इसराइल के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए इजरायली सेना पर भीषण हमले कर रहे हैं। और उधर फिलिस्तीनियों के समर्थन में लेबनान का ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला भी लगातार उत्तरी मोर्चे पर इजरायली सेना के ठिकानों पर मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट बरसा रहा है। और उधर से इजरायली सेना भी लेबनान के भीतर हिजबुल्ला के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रही है, जिसमें हिजबुल्ला के कई कमांडर मारे जा चुके हैं। और इन्हीं बढ़ते हुए हमलों से इस मोर्चे पर भी युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। लेकिन इस सब के बीच हिजबुल्ला ने एक बार फिर से इजरायली सेना को दहला कर रख दिया है। दरअसल हिजबुल्ला ने आईडीएफ के खिलाफ 8 बड़े हमले किए हैं। ये हमले इजराइल लेबनान बॉर्डर के पास इजरायली सेना के ठिकानों पर किए गए हैं। हिजबुल्ला ने सुबह सुबह रमीम बैरक्स पर बुरकान रॉकेट से हमला किया है, जहां पर इजरायली सैनिक मौजूद थे। और इसके बाद हिजबुल्ला ने एडमिट सेटलमेंट में आईओएफ के सैनिकों पर गोला बारूद दागा है। हिजबुल्ला का कहना है कि इस हमले में इजरायली सैनिकों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं खैबर मेयर में हिजबुल्ला ने आईडीएफ पर रॉकेटों की झड़ी लगा दी। इसके बाद राहेब सैन्य चौकी पर भी हिजबुल्ला ने रॉकेट, गोला बारूद दनादन दाग दिया। हिजबुल्ला का कहना है कि इस हमले में भी आईओएफ को भारी नुकसान हुआ है। यहां पर इजरायली सैनिक इकट्ठा हो रहे थे और इस हमले के बाद शीबा फॉर्म्स में हिजबुल्ला ने आईडीएफ की राडार चौकी पर रॉकेट दाग दिए, जो सीधे टारगेट पर जाकर गिरे। इस हमले का हिजबुल्ला ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें कुछ सैनिकों की मूवमेंट दिख रही है। उसके बाद उन पर एक मिसाइल आकर गिरती है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। हिजबुल्ला ने दावा किया कि इस हमले में उसने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसमें आईडीएफ को काफी नुकसान हुआ है। इसके बाद यारा सेटलमेंट खफार चौबा हाइट्स के रुएसेट एआई अलम पर हिजबुल्ला ने एक के बाद एक बुरकान रॉकेट फायर कर दिए। हिजबुल्ला का कहना है कि इन जगहों पर भी इजरायली सैनिक तैनात थे, जिन्हें बुरकान रॉकेट से निशाना बनाया गया है। इससे ठीक एक दिन पहले हिजबुल्ला के सैन्य अड्डों पर 10 बड़े हमले करने का दावा किया गया था। हिजबुल्ला ने कहा था कि उसके लड़ाकों ने सीरिया के दमिश्क और अलेप्पो पर इजरायली सेना पर फलक रॉकेट दागे थे। यह हमला जल अल अलम और उसके आसपास मौजूद आईडीएफ पर हुआ था। इसके अलावा आईडीएफ ने मेतुला सैन्य अड्डे पर भी एक हमला किया था। इसके अलावा हिजबुल्ला ने कफार चौबा हिल्स में अल समाका में भी आईडीएफ पर तोप के गोले दागे थे।